राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में एमटेक प्रथम वर्ष के छात्र की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस भी पूरी तरह से हरकत में आ गई है। पुलिस के द्वारा नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए पिछले दो दिनों में एक दर्जन नशा कारोबारियों की धरपकड़ की है। गत रात्रि भी पुलिस ने चेकिंग के दौरान नादौन के व्यक्ति बच्चन सिंह और अशोक कुमार से 1 किलो 491 ग्राम चरस पकड़ी है। डीएसपी हमीरपुर रोहिन डोगरा की अगुवाई में पुलिस की टीम के द्वारा देर रात्रि जिला की अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर नशा कारोबारियों की धरपकड़ की जा रही है ताकि नशा के व्यापारियों पर शिकंजा कसा जा सके। डीएसपी हमीरपुर रोहिन डोगरा ने बताया कि एनआईटी में एमटेक छात्र की मौत के बाद पुलिस ने जगह जगह दबिश दी और नादौन के पास 1 किलो 491 किलोग्राम चरस बरामद की है, जिसमे संलिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि एनआईटी हमीरपुर में एमटेक फर्स्ट ईयर के छात्र की नशा करके हुई मौत के बाद अब नशा कारोबार की धरपकड़ जारी है। आज हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी थी पुलिस की, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली जिस पे कि हमारे एसएचओ नदौन जो थे वो मौके पर मौजूद थे, तो उन्होंने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी रोकी तो गाड़ी से हमें 1 किलो और 491 ग्राम चरस मिली जी। इसमें दो एक्यूज थे, एक अशोक कुमार और एक बच्चन सिंह, और दोनों ही नदौन तहसील के रहने वाले जी। जी ये जो बच्चन सिंह है, इनके ऊपर पहले भी एनडीपीएस और एक्साइज के कुछ मुकदमे दर्ज हैं और अशोक कुमार के ऊपर भी आईपीसी की धाराओं में हम मुकदमे हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से शालिका ठाकुर की रिपोर्ट।